हेलो बच्चों, तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के भाग नंबर 14 में। तो सभी बच्चे तैयार हैं तो अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल सा और बहुत इम्पोर्टेंट जो है डेरिवेशन कराने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी बच्चे तैयार हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हमने हेडिंग पहले से डाल रखी है। इस लेक्चर की जो है हेडिंग जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वैद्युत ध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो प्रकार से निकलती है, अच्छी स्थिति में और निरअच्छी स्थिति में। तो इसका इस वीडियो में ये पहला लेक्चर है और पहला डेरिवेशन है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक चित्र बनाते हैं वैद्युत ध्रुव का। तो वैद्युत ध्रुव का हमने आपको बताया था, थोड़ा सा ये मोटा बना लिया करो जिससे कि पता चले कि हाँ ये वैद्युत ध्रुव है। ठीक है बच्चों, तो ये वैद्युत ध्रुव क्या होता है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हो। दोनों कैसे हो, बराबर ये प्लस माइनस ले लिया हमने और ये क्या ले लिया, प्लस ले लिया। ठीक है बच्चों, और ये ए कर लिया और ये बी कर लिया और इनके बीच की दूरी हमने क्या ले ली, 2L होती है। तो यहाँ इसका मध्य बिंदु है O, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और यहां से क्या हो गया, L हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये वैसे 2L होती है पूरी। तो आप चाहें तो यहां से आप दिखा सकते हैं कि यहां से जो दूरी होती है वैद्युत ध्रुव की वो 2L ली जाती है, आपको पता होगा। तो ये जो है 2L है, यहां पर प्लस Q है और यहां पर माइनस Q होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके मध्य बिंदु से हम क्या करें, एक बिंदु ले लें P, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब हमने पहले ही बताया था जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर दोनों आवेशों से दूरी निकालो। इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, इस आवेश से इसकी दूरी क्या है। तो देखो बच्चों, यहां से R है और ये L है, तो जब यहां से निकालेंगे हम ये दूरी तो इस R में से ये L घट जाएगी, तो यहां से जो दूरी आएगी वो R माइनस L आ जाएगी। ठीक है, अब इसको ले लो, यहां से ये R है ये L है, तो यहां से जब हम दूरी लेंगे इसकी तो क्या होगा प्यारे, ये इसमें L जुड़ जाएगी। क्लियर हुई बात, यहां से ये L घटा दो क्योंकि ये मध्य बिंदु से R ली गई, तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस। ओके बच्चों, चलिए अब हम इसका करते हैं वर्णन चित्र को देखते हुए, जैसा चित्र में है वैसे ही करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो समझ लो, पहले माना ए और बी क्या है, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, एक वैद्युत ध्रुव है कि नहीं, सभी को पता है वैद्युत ध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु क्या है प्यारे, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, चित्र का वर्णन लिख रहा हूं मैं, आर दूरी पर एक बिंदु पी है कि नहीं, चित्र में देख रहे हैं आप पी है, जहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो हमारा मतलब आज की जो हेडिंग है, आज का जो डेरिवेशन है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों से दूरियां बताएंगे करनी है, अतः प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल है तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर प्लस एल है। ठीक है प्यारे, ये हो गया। अब हम ये मान के चलते हैं कि यदि माध्यम की ऐसे लिखो, यदि
के परावैद्युतांक का माध्यम हो, दोनों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम हो। हमने पहले सारा पढ़ा चुके हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये तो परावैद्युतांक हो का माध्यम हो। तो अब बात आगे बढ़ती है, तो ये तो सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण यहां तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण यहां तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईवन निम्न होगी, निम्न का मतलब नीचे लिखे, निम्न होगी। सूत्र हमने वही बताया था जो हमारा फॉर्मूला होता है, आवेश के कारण 1/4πε0 और q/r, ये तो था r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ तीव्रता हम ईवन ली है पहले आवेश के कारण, और यहाँ पर इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है r-l, तो ये r-l का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर परावैद्युतांक के यहाँ पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समीकरण एक डाल दो, दिशा आप लिख देंगे, हमने बताया था प्लस से बी से पी की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस के कारण निकालेंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो यहां E2 लिखेंगे 1/4πε0 के, और माइनस हमने बताया कि यदि सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है तो माइनस नहीं आएगा, यदि अदिश होती तो माइनस लगाया जाता, और इसकी दूरी कहां है माइनस से यहां तक की r+l, तो r+l समीकरण दो, दिशा हमें पता ही है कि P से A की ओर। ठीक है, तो इसकी दिशा प्यारे देखो हम यहां दिखा दे रहे, ये E1 है ऐसे करके, इसकी दिशा ये है E2 ऐसे करके, तो इनके बीच में कितने का 180 का कोण बन रहा है, और 180 का कोण बनता है तो अंतर के बराबर परिणामी होती है, अतः दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है बच्चों, पहले के कारण यहां निकाली, दूसरे कारण निकाली, अब दोनों के कारण यहां पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, परिणामी तीव्रता E निम्न होगी, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो विपरीत का मतलब होता है माइनस, E1 माइनस के E2, समीकरण 3 होगा, 180 में माइनस का होता है आपको हम पहले बता चुके हैं। तो समीकरण 1/2 से मान रख दो, ओके लगा दो 1/4πε0 के और q/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के और q/r+l का होल स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, जो अब इसको हल करना है तो कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ओके चलिए। तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम 1/4πε0 के, एलसीएम ले लो, दोनों ही आएंगे एलसीएम, ठीक है, तो दोनों ही आएंगे, तो r-l का वर्ग और r+l का वर्ग, ओके ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब इससे ये कट गया, ये बचा, तो ये वाला लिख लो, माइनस है माइनस लगा दो, इससे प्लस वाला कट गया माइनस वाला बचेगा, ओके चलिए। अब ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें वर्गांतर लगा दो, देखो a²-b² है कि नहीं, a²-b², तो ये एक बार तो जोड़ दो इन्हें आपस में, जुड़ गए, और एक बार इन्हें घटा दो,
घटाने में जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नीचे क्या करेंगे, दोनों पे वर्ग है तो दोनों पे हम ऐसे करके एक साथ वर्ग कर दें, मंझला कोष्टक लगा के एक साथ वर्ग कर दिया। यहां पर देखो ये प्लस है माइनस है, प्लस कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो इधर का हम निकाल रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, चलिए कर लो नोट कर लो एक बार। हो गया, फटाफट कर लो, चलिए पोज करके कर लो। तो अब क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 के और Q, और यहाँ क्या है एक और एक 2L 2R, और यहाँ क्या हो जाएगा एक और एक 2L बटे, देखो यहाँ पर एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो ये वर्गांतर लग जाएगी, यानी कि R² - L² पर होल स्क्वायर। ठीक है, चल नोट हो गया। तो 1/4πε0 के जैसा का तैसा टू बाहर निकाल लो, और अंदर हम क्या करेंगे Q × 2L कर लो, और बटे जो है जे जैसा का तैसा लिख लो, समीकरण डाल दो। परंतु हमें याद आया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि P = Q × 2L होता है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो 1/4πε0 K और 2P/R²-L² का होल स्क्वायर, इसको भी समीकरण डाल दो। अब चूंकि हमने ये पढ़ा है कि जो L होता है वो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की 2L होती है, वो भी बहुत अल्प होती है, और ये R वो दूरी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि R > L है, अतः R² की तुलना में L² को नगण्य माना जा सकता, छोड़ा जा सकता है, जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसे छोड़ दो, तो ये छोड़ देंगे हम, तो 1/4πε0 K और 2P/R² पर, तो E = 1/4πε0 K और घात पे घात हो तो ये क्या हो जाएगा 2×2=4। ये आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया, जिसका मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है बच्चों, अब निर्वात या वायु के लिए, यदि जो उनके बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तो क्या होगा, पहले हमने आपको पढ़ाया है कि निर्वात या वायु के लिए K = बल लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम यहां क्या लगा देंगे, बल लगा देंगे, तो E = 1/4πε0 और 2P/R² ये हमारा डेरिवेशन पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बीजगणित है, कैल्शियम मैग्नीशियम लेना है, और ध्यान ये रखना है कि हमें जो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वही हमें लगाना है। ओके, तो उम्मीद है आगे आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और आप इसे क्लियर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, या हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर होगा आपके पास, उससे हमें व्हाट्सएप कर दे, या हमें कॉल करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।